फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं गोभी आलू। और गोभी मैंने काट दी है, डंठल भी काटे मैंने थोड़े, उसमें मोटे मोटे जो डंठल होते हैं। और यहाँ पर आलू, आलू मैंने धो दिया, मैं इनको छील दूँगी। आलू को छील के मैंने बारीक बारीक काट दिया। अब यहाँ पर है लहसुन जो मैंने कूटा है, और उसी में हरी मिर्च डाली है 3। अदरक नहीं डाल रही हूँ मैं, अगर आपको अदरक डालना हो तो आप डाल सकते हो। तेल गरम हो गया कढ़ाई में, तो इसमें डालेंगे जीरा 1 छोटी चम्मच, जीरा भुन गया। अब डालूंगी इसमें मैं लहसुन और मिर्च जो हमने कूटे और काटे थे। इसको थोड़ा पकाएंगे। लहसुन पक गया है, अब इसमें डालूंगा प्याज। मैं 2 प्याज काटे, प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें गोभी और आलू डाल दूंगी। मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो मैं बिना टमाटर वाली बना रही हूँ। आप चाहो तो टमाटर इसमें डाल सकते हो। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी गोभी और आलू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी। धनिया पाउडर में 2 चम्मच डालूंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। आलू का थोड़ी कसर है और गोभी को भी थोड़ी सी है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको ढक्कन लगा के जब तक आलू गोभी पकते नहीं है तब तक धीमी आंच में पकाएंगे। बीच बीच में हम देखते भी रहेंगे कि हमारी सब्जी नीचे तो नहीं लग रही। नमक टेस्ट के अनुसार, चेक कर लेते हैं हम अपनी सब्जी को। एकदम तैयार है हमारी गोभी आलू की सब्जी। ये देखिए आलू भी अच्छे से पक गए, गोभी भी। ये हमारी गोभी आलू की सूखी सब्जी, एकदम टेस्टी टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, हमारी गोभी आलू की सब्जी तैयार है। थोड़ा सा उसमें मैंने हरे धनिया डाला गार्निश के लिए। तो अगर ये तरीका अच्छा लगा हो आपको सब्जी बनाने का, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।